उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आज सामने आया। उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया डरा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग फोर लेन के साथ जोड़ चुके हैं।